तो हेलो एंड वेलकम गाइस यार इन दिस चैनल यार मेरे चैनल पे आपको बहुत दिनों बाद भी उसकी वीडियो आ गया है। और दोस्तों यार आपको जानकारी शुरू कर दूँ कि यार अब मैं वेब डिजाइनिंग के कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जल्दी से यार सारे सब्सक्राइब करो। और हम आज अपनी पहला लेक्चर है तो हमारा HTML का है, तो दोस्तों हम HTML पढ़ेंगे अपनी इस सीरीज में। HTML पढ़ेंगे, उसके बाद CSS पढ़ेंगे, उसके बाद JavaScript करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें दोस्तों वेब डिजाइनिंग के अंदर काम आती है, एक वेबसाइट को बिल्ड करने का काम आती है, तो वो सारे हम समझेंगे। और एट दी एंड हम होस्टिंग के बारे में और डोमेन के बारे में ये सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपके लिए कम्प्लीटली एक वेबसाइट और बहुत ही फाउ वेबसाइट यार एक तरीके से हम बनाने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो यार HTML के कुछ हमारी 10 सीरीज आने वाली है, 10 वीडियो आएगी, तो दोस्तों काफ़ी छोटी होगी। और आप तो और एक तरीके से आप इसके लिए 4 या 5 अगर सारी वीडियो मिला तो 4 या 5 घंटे कुछ ऐसी बनेगा, तो मैं आपको पूरा HTML कंप्लीट कराऊँगा। तो उसके एकदम प्रीमियम कोर्सेज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल फ्री यार यूट्यूब पे, और चाहे तो आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब पे आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला लेक्चर है, तो यार हम HTML स्टार्ट करेंगे। उसके बाद HTML से यार दोस्तों HTML क्या होता है, तो दोस्तों HTML एक तरीके का बेसिक एक पार्ट होता है वेबसाइट का, जो क्रिएट किया जाता है। एक लगभग वेबसाइट में जितने एलिमेंट्स वगैरह थे, जितना लिखा होगा, मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है HTML। उसके बाद जितना भी डिज़ाइन होता है, जितना UI UX डिज़ाइन होता है, वो सब दोस्तों CSS के द्वारा किया जाता है। और उसके अंदर बाकी दोस्तों आपका मतलब बटन दाबो, कुछ रिस्पॉन्स आया, जितना भी ये जो चीज़ है, ये ब्रेन का काम ही JavaScript करता है। तो फिलहाल जो हम सब HTML स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे दोस्तों हमारा HTML क्या है, शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल हम जल्दी से अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और इधर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अपना VS कोड तो ओपन हो गया है, तो आप भी दोस्तों गूगल पे जाइए और लिख दीजिएगा VS कोड डाउनलोड, तो ऐसा कुछ आएगा अपना VS कोड। इसकी मैंने थीम चेंज कर रखी है, तो ऐसे कुछ है दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने HTML। सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे टैग क्या होता है। तो दोस्तों यार टैग होता है, जैसे कि ये मैं लगाया, मैंने लिखा HTML। तो दोस्तों ये तो मैंने लिखा ना, ये एक तरीके का पूरा का पूरा टैग है, ये इतना सा टैग है दोस्तों। ये टैग ही HTML का बहुत ज़्यादा कुछ है। तो हम HTML की एक जो बेसिक जो एक वो होता है ना दोस्तों स्ट्रक्चर, तो वो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं HTML। HTML के बाद हेड, हेड हेड के बाद हमारा टाइटल टैग TITLE टाइटल। अभी मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ होता है टाइटल में। अपना नाम देता हूँ, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम देता हूँ INSPL। और अब चलते हैं अपने हेड हो गया, हेड के बाद इसमें टैग बना रहा हूँ, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों मैंने इतनी चीज़ बताई, उसके बाद दोस्तों मुझे इसे कर लेना सेव, कंट्रोल एस करके मैंने इसे कर दिया सेव। इसे मैं आपको ओपन करना भी दिखाऊंगा कि कैसे इसे ओपन करना है और वेबसाइट देखनी है। तो चलिए हम इसे अपनी वेबसाइट को पहले ओपन कर लेते हैं फटाफट से। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने अपनी ये जो ओपन कर लिया, ये क्रोमा पे जाके जो हमने फोल्डर सेव किया था। तो दोस्तों सिंपली जो हमारा ये जो टाइटल है ना, जो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये टाइटल दोस्तों ये चीज़ है, ये दिखाता हूँ आपको, ये जो यहाँ पे लिख रहा है मैंने इंस्पायर्ड, सो ऊपर जो पैर में लिखा रहता है ना दोस्तों, यही है टाइटल का हमारा मतलब। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो टाइटल का मतलब होगा। और इतना जो हेड वाला भाग है दोस्तों, ये ऊपर का ही होता है, जो हमारा यहाँ पे हेड वाला जितना सेक्शन है, ये हेड यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, इसका ज़्यादा हमें काम नहीं है HTML का, हमें जितना भी है वो बॉडी के अंदर ही हमारा HTML लिखा जाएगा। और बॉडी दोस्तों हमारी ये चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ये जितना भी है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक का ही सारी हमारी बॉडी है। तो चलते हैं अपने बॉडी में, हम कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे कि दोस्तों हमने कुछ भी लिख दिया, हमने एक हेडिंग टाइप की बनाई थी, H1 टाइप से दोस्तों हम हेडिंग बनाते हैं। और तो हमने कुछ भी लिख दिया, मैंने अपना ही नाम लिख दिया आर्यन कुमार, इसे सेव कर दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया हमारी बॉडी में, तो ये जो आई हमारी बॉडी है, अब जितना भी तो हमें HTML लिखेंगे वो सब बॉडी के अंदर ही होगा हमारा। तो हम ऐसे करके एक सारे टैग समझते हैं और देखते हैं कैसे हम अपनी थोड़ी वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलो यार, तो दोस्तों हेडिंग सबसे पहले हम अपने टैग से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग टैग से। दोस्तों हेडिंग टैग यार हम 6 हेडिंग ले सकते हैं बस, एक हम H2 ले लेते हैं, जैसे कि इसमें दूसरा कुछ भी लिख देता हूँ मैं, क्या अपने दूसरा नाम ले लेता हूँ। तो जितने भी हम जो हेडिंग लेंगे ना दोस्तों, 6 हेडिंग, वो सारी के सारी छोटी छोटी आएगी, मतलब एक पे पहला होगा बड़ा, उससे दूसरी छोटी होगी। देख सकते हैं दोस्तों H1 था वो हमारा पहले थोड़ा बड़ा था, H2 छोटा था, जैसे हम और हेडिंग लेंगे वो सारी छोटी छोटी होती आएगी। उसके बाद दोस्तों यार हम हेडिंग लेने के बाद एक P टैग बनाते हैं। P टैग मतलब जो हमने हेडिंग लिखा उसके नीचे जो पैराग्राफ जितना भी उसके बारे में लिखना है,
तो उसी को प्री टैग कहते हैं। तो प्री टैग में हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी सेव कर दो। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा आ गया, ये जितना भी था ये एक तरीके से पैराग्राफ की तरह यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। तो ये दोस्तों बहुत सारा बेसिक है, मतलब जो हम भी लिखते हैं ब्लॉग वेबसाइट में जितना भी लिखते हैं वो सारा यहीं से लिखते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ, वीडियो ऑन है ना? यस दोस्तों। और चलो तो आगे हमारा प्री टैग का, तो प्री टैग के बाद दोस्तों हमारे और भी सारे टैग हैं। तो सारे टैग एक एक करके सर समझते हैं, और हम पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। दोस्तों एक मैं आपको लिंक टैग का बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक टैग बनाया ए टैग, ए उसके बाद एच आर ई एफ हरी, ये दोस्तों एक लिंक डालने के लिए होता है। इसके अंदर मैं मतलब कुछ भी अपने किसी चीज़ की भी लिंक डाल सकता हूँ, जैसे कि यार को डाल देते हैं https://google.com। तो यार एक ये लिंक टैग है, तो एच आर ई एफ का मतलब इसके अंदर दोस्तों हम लिंक बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। ये तो टैग हो गया हमारा, और इसके जो यहाँ पे है ना वो दोस्तों हमारा एट्रीब्यूट, ये जितना भी लिख रखा है हमने एट्रीब्यूट है तो टैग के अंदर लिख रखा है। तो ए टैग का सिंपली दोस्तों मतलब ये कि एक लिंक टाइप के मतलब ब्लू कलर की बनाता है। तो अभी हमारा ये काम नहीं कर रहा, एक बार दोबारा जाके देखते हैं कोड में कुछ हुआ तो नहीं दिक्कत। तो इसमें हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि जो हमें दिखाना है बटन के रूप में, कि मतलब क्लिक कर दोस्तों आ गया, एक लिंक टाइप की आ गया, आप देख सकते हो दोस्तों। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे ले जाएगा, अभी नेट नहीं है लेकिन ये गूगल पे डायरेक्ट लेकर जाएगा। तो एक लिंक की तरीके की बन गई है। तो इसी को दोस्तों हम ए के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी जो ए टैग है ये इसी के निशान होता है। और बाकी आपने ये टैग समझा और आपने ये एट्रीब्यूट समझा। तो दोस्तों यार एट्रीब्यूट ये सब समझ गए, अब एक आध दो टैग और समझते हैं फटाफट से हम क्या है, फटाफट से देखते हैं यार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपने एक चीज़ देखा कि हमने जो ये लिया अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे था, तो हमने ये एक लाइन लिखी। तो दोस्तों अगर हम VS Code में ये नहीं कि अगर हमने कि ऐसे करके कोई सर ये दे दिया तो ये नीचे नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। उसके लिए हमें एक चीज़ है कि अगर लाइन हमें तोड़नी है ना, अगली लाइन से शुरू करनी है, अगर छोटा सा सिंगल टैग आता है VR टैग, इसे हम ऐसे कर दिया VR लिख दिया हमने, छोटा सा टैग है सिंगल टैग होता है दोस्तों, इसे हमने लिख के सेव कर दिया फटाफट से। तो आप देखेंगे कि लाइन दो हिस्से में टूट गई, यहाँ पर हमने VR टैग लगाया। तो बी आर टैग का इतना काम होता है। बी आर के बाद एक और टैग दिखाता हूँ आपको दोस्तों, मैं यहाँ इसके बाद दिखाता हूँ एच टू एक होता है एच आर। ये दोस्तों ये भी बी आर की तरह है लेकिन इसमें एक लाइन सी आ जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं एक लाइन टाइप किया गया, इसे अलग कर दिया हमने, इसे अलग कर दिया। तो ये एच आर टैग है, छोटे छोटे सिंगल टैग है, कॉमन टैग है, इन सभी को मैं हटाता हूँ, नहीं हटा इसे हटाता हूँ और कुछ हटाता हूँ आपको। तो दोस्तों यार अगर हमें अगर इसे बोल्ड करना है, मतलब ये काम जो टैग है इसे तो थोड़ा मतलब हमें मोटा करना है इसे बोल्ड, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली एक आता है बी, सिर्फ आप बी लिख दोगे ना, और ये जैसे बंद वाला भी क्लोज टैग है तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और दोस्तों यार मैंने आपको एक चीज़ तो बताया नहीं कि जितने भी हम जो टैग खोलते हैं ना यार, यहाँ से मतलब ये टैग खोला तो इसको इसी पर क्लोज यहाँ पे लगा दिया, हेड खोला हमने हेड को यहीं पे क्लोज कर दिया, और क्लोज को इस वाले साइन से रिपोर्ट करना, कोई सा भी टैग हम खोलते हैं ना दोस्तों उससे हमें क्लोज कर देते हैं, सिर्फ सिंगल टैग को क्लोज नहीं करते। जैसे कि ये हमारा एक बी आर हो गया और एक एच आर हो गया, इन्हें छोड़ के हम जितने भी जो टैग है ना उन सभी को क्लोज करते हैं। टाइटल खोला हमने टाइटल यहाँ पे क्लोज कर दिया, बॉडी खोला बॉडी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, सभी को एक करके हमें क्लोज कर देना है और इतना ही करना है। उसके बाद देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बी लगाया, यहाँ पे भी बी लगा दिया, और अब देखना यार कि यहाँ पे एक इतना हिस्सा यहाँ पर पोर्सन जो है ना ये ब्लैक हो गया। तो देख सकते हैं इसको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे दोस्तों, बटन एक से एक बनाएंगे, बहुत तगड़े तगड़े फैक्ट लाएंगे, लेकिन वो अभी CSS का भाग है जो आने वाली वीडियो में मिलेगा। तो यार चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जब तक सारे जितने भी हो, ताकि जितने भी आगे वाले जितने वीडियो आए कंटेंट आए 400 बार वीडियो में झपा से आप भी एक वेबसाइट बनाने को लग जाओ। तो
इसके बाद हम और भी एक आधो टैग समझेंगे। तो वी की तरह एक और टैग होता है दोस्तों, उसे कहते हैं एलआई टैग। इसको यहाँ से हम यहाँ से ना क्लोज करके हमें वहीं पर क्लोज करते हैं जहाँ से हमें जहाँ तक चाहिए। तो इसके यहाँ तक हमें इससे थोड़ा वो करना कि यहीं तक एलआई टैग क्लोज करते हैं, क्लोज का साइन लगाते हैं, अपना भी क्लोज हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि एल आई से एक बिंदु टाइप की आ गई है। एल आई से हम और भी बनाएंगे अभी, एक मिनट पहले आपको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको तो बहुत ज़्यादा टफिश लग रहा होगा एकदम, मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा हम देखते हैं एल आई के बारे में समझते हैं। एल आई ओएल, पहले हम ओएल टैग से स्टार्ट करते हैं। ओएल के अंदर हम एल आई बनाएंगे, एल आई जितने एल आई उतनी लिस्ट होगी हमारी। एल आई का मतलब लिस्ट है, इसमें कुछ भी लिखते हैं जैसे कि आपको कार्टून के नाम लिखते हैं। तो इसका दोस्तों हमारा जो है ये एल आई टैग बनाएंगे, यानी कि लिस्ट की तरह बन जाएगा। तो ये ओ एल ये दोस्तों इसका पेरेंट है। अगर हम दोस्तों कुछ भी हम अगर ऐसा लिखते हैं जो इस तरफ आए, तो यहाँ मतलब जो हमारा ये जो छोटा वाला टैग है ना, इसे चाइल्ड टैग कहेंगे, और चाइल्ड का जो बड़ा मतलब पेरेंट्स होगा तो उसे पेरेंट टैग कहेंगे। तो ओ एल को बाद में आपको समझेंगे क्या है ओ एल, लेकिन जब तक आप एल आई से समझोगे क्या है। और देखना दोस्तों इस सब हट के हमारा आ गया 1 2 3 4, यहाँ से हमारा सारा आ गया वेंट एंड ओएमॉन। तो देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से अगर हमें मानो कि हमें 1 2 3 4 ना चाहिए, सिर्फ बिंदु चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप एक ये लगा के, और इसके अंदर हमें जो भी चाहिए मतलब सर्कल चाहिए, तो CIRCL सर्कल। हाँ ये क्या हमारा टैग देखने का गड़बड़ हुई है, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप कर रहा है, काम नहीं जाता है। तो ये टैग हमारे दोस्तों ये देखो काम नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो सिंपली हम इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि यहाँ पे हम पेरेंट टैग को ही बदल देंगे, तो वही की जगह हम यहाँ यूएल ले लेते हैं। तो ये हमारा हो सकता है कि यूएल में काम करे। तो जैसे हमारा आ गया स्क्वायर में आ गया, तो यहाँ सर्कल भी लेकर आ सकते हैं जिस टाइप का हमें चाहिए ना, मतलब हम वो टाइप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। यहाँ से यूएल टैग लगाना है, उसके लिए हम यूएल लिख के ये सारा कर लेना है। तो दोस्तों यार ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही ज़्यादा नहीं, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो इतना जब तक आप अपने कंप्यूटर या जो भी है उसमें प्रैक्टिस करते जाइए। इसके हम जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप हमारे टेलीग्राम इंस्पायर एडिट्स लिखोगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा। और तो मतलब इंस्पायर्ड्स लिखना है टेलीग्राम पर, वहाँ जाके हमने नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपने नोट्स के हिसाब से और ज़्यादा अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स में अपने प्यारे नोट्स होंगे ना, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पर दूंगा। तो जाके टेलीग्राम पे फटाफट लिंक दे रखी होगी मैंने, लिंक पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इतनी प्रैक्टिस करिए रखा और पूरी यार हम समझेंगे। 4 से 5 वीडियो में आपको एक से एक बेहतर एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा मैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल, और जितने भी दोस्त है ना जो आपको कोडिंग सीखने में है, मतलब कोडिंग जिनको सीखनी है, जिनको थोड़ी वेबसाइट बना के अर्निंग करनी है बहुत ज़्यादा, तो उन सभी को यार बोल देना कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप ग्रुप है सब में फैला दो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।